टिप्पणियां। रजनी 2 में बढ़ाएंगी फिर वजन। आयुष्मान क्यों परेशान हो गए थे भूमि की वेट से? दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों दम लगा कि हईशा फिल्म ने अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसने सफलता के नए झंडे गाड़े थे। ये पहली फिल्म थी जब स्क्रीन पर किसी मोटी अभिनेत्री को देख लोग गदगद हो उठे थे। आमतौर पर बॉलीवुड में हीरोइनों को लेकर एक धारणा बनी हुई है, उस धारणा के मुताबिक जो अच्छी काया वाली सुंदर नारी हो वही हीरोइन होती है। लेकिन इस फिल्म से भूमि पेडनेकर ने सारे मिथक तोड़ डाले थे। इस फिल्म से जुड़ी यूं तो ढेरों सारी बातें हैं जिसके बारे में बात करते हुए इस फिल्म की कास्ट कभी थकती नहीं है। ऐसी एक किस्सा जुड़ा है फिल्म के क्लाइमेक्स सीन से जिसमें आयुष्मान को भूमि को पीठ पर लेकर दौड़ लगानी थी और इस सीन को करने में आयुष्मान के पसीने छूट गए थे। इस फिल्म के लिए भूमि ने काफी वजन बढ़ाया था। उनका वजन उस वक्त 94 किलो था जबकि आयुष्मान खुराना 68 किलो के थे। क्लाइमेक्स के सीन में आयुष्मान को भूमि को उठाना था और दौड़ लगानी थी लेकिन उनके लिए ये करना काफी मुश्किल हो रहा था। दोस्तों भूमि का वजन बेहद ज्यादा था, यहाँ तक कि आयुष्मान के बॉडी डबल भी भूमि को नहीं उठा पा रहे थे। सिर्फ इस सीन को फिल्माने के लिए आयुष्मान खुराना ने लगभग 2 महीने प्रैक्टिस की थी। वो अपने ट्रेनर को पीठ पर बैठाकर रोजाना प्रैक्टिस किया करते थे लेकिन उनका वजन 88 किलो था और भूमि का 94 था। ऐसे में जब इस सीन को फिल्माया जाने लगा तो आयुष्मान को काफी दिक्कत आई लेकिन फिर भी उन्होंने इस सीन को बखूबी किया। बता दें एक बार फिर भूमि मोटी एक्ट्रेस का रोल अदा करने वाली है जो रोल उन्होंने खुद अपने लिए चुना है। आप सोच रहे होंगे यह रोल ही क्यों, तो बता दें कि गजनी 2 के मेकर्स एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहे थे जो उनकी फिल्म में मोटी लड़की का रोल कर पाए। तो एक दिन जब वो दम लगा के हईशा देख रहे थे तब उन्हें भूमि का ख्याल आया जिसके चलते उन्होंने भूमि से बात की और भूमि ने उन्हें तुरंत ही हाँ कह दी थी। बता दें गजनी 2 में भूमि डॉन की बेटी का किरदार निभाएंगी। गजनी 2008 में आमिर की फिल्म का ही सीक्वल है जिसमें एक बार फिर आमिर नजर आएंगे। उनके साथ करिश्मा कपूर भी नजर आने वाली है। आपको भूमि को दम लगा के हईशा के रोल में दोबारा देखने की कितनी एक्साइटमेंट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें।